कि कैसे होगा, कैसे इतनी सारी चीज़ें ख़त्म होगी और समय भी थोड़ा कम रह गया है। आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, सारी चीज़ें आराम से स्लोली 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 सब हो जाएगा, विश्वास मान। क्लियर है? आप लोगों का बैच लेट स्टार्ट हुआ है, चीज़ें अपन बहुत कन्फाइंड डिटेल में हर एक पॉइंट हर एक चीज़ कवर कर लेंगे, आप ये यकीन मानो। बस आप इस बात की टेंशन ना लेकर के चीज़ें कब ख़त्म होगी, इस बात पे अगर आप ध्यान दें कि जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से एम्स पे होगा, जहाँ पे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। भैया सुबह हो गई है, अभी भी मुंह फाड़ रहे हो, उबासी ले रहे हो, उठ जाओ, मुंह धो लो, नहा लो। कब से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ बेटा कि माना ठंड आ गई है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि परफ्यूम लगा के ड्यू लगा के काम चल रहा है उनका, पर बेटा उससे काम चलेगा नहीं ज़्यादा समय तक। नहा धो करके बैठो, मन लगेगा पढ़ाई। क्लियर है कि नहीं है? उठते ही साथ ये तीन बेसिक चीज़ें हो जानी चाहिए। उठे हो, उठते ही साथ जा कर के ब्रश करो, नहाओ धो, उसके बाद सारे काम शुरू करो। क्लियर है कि नहीं है? अपना बेटा अब आपको इसी जैसे ही उठते साथ आलस बिल्कुल नहीं फैलाना है। आप ये समझ लो आपके शुरुआत से दो दिन तीन दिन के लिए मेरा ये काम कर दो, अगर आप लोग मानते हो तो। तीन दिन एक काम करना, तीन दिन बिना नहाए सुबह सुबह, ठीक है। जैसे ही आप उठे उस टाइम पे मत नहाओ, आप अपना कंफर्टेबल टाइम लेके नहाना और काम करना, ठीक है। मतलब जैसे अभी करते हुए आ रहे हो, नहाते धोते तो हो नहीं और पढ़ने बैठ गए, तो आपका एक लेक्चर जितने टाइम का होगा ना, जितना ड्यूरेशन में उसे खत्म होना होगा ना, उससे वो ज्यादा ही लेगा। आपकी एक डीपीपी जितने समय में खत्म होनी चाहिए उससे वो ज्यादा ही समय लेगी। आपको कोई चीज जितने जल्दी समझ में आनी होगी उससे और देर में समझ में आएगी। और यही चीज सिर्फ मेरे कहने पे तीन दिन के लिए अपनाना, सुबह ही क्लास होने से पहले ही नहा धो करके ब्रश करके ब्रेकफास्ट करके बढ़िया सा आप पढ़ने बैठना। वही लेक्चर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, वही लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन आपको बार बार रिपीट में नहीं देखना होगा, बार बार नींद के झपके नहीं आएंगे, आपकी दिन का रूटीन बेटा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आप ये मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बेटा ज़्यादा समय नहीं रह गया है, यू हैव टू बी जस्ट एक्टिव। समझ में आ गया? अब आलस से काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हो, पूरी स्क्रीन आ गई है चेहरे के अंदर। इसलिए बेटा पता है, घर वाले भी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, घर वाले भी अपने देखो कितना डांटते हैं कि यार आलस फैला रहा है, सनीचर बना घूम रहा है पूरे घर में, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी उपाधि बेटा जो आपको मिली है ऐसे ही नहीं मिली है, और उनके कहने का भी एक लॉजिक होता है कि हाँ। और बाकी आप कोई भी किताब में कहीं पे भी देखना बेटा, हर कोई यही सिखाता है बेसिक। हम जब बचपन में थे हमारे मॉरल्स साइंस सीखते जा रहे हैं और मॉरल अपने जीवन के जीरो हो चुके हैं। समझ में आया बेटा? साइंस आप तब सीख पाओगे बढ़िया तरीके से जब आपके अंदर मॉरल्स होंगे।